वासव न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं सरदार। विजयपुर जिला का सिंधगी तालुका का एक छोटा सा गांव, वहां पर जो एक महिला विजयपुर शहर में आकर सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं और वहां पर कुछ डॉक्टरों पर यही आरोप होता है ताकि वो ठीक से देखभाल नहीं कर पा रहे हैं। अब तो ऐसा हो गया है सरकारी हॉस्पिटल, ये तो यहाँ पर वसीले लग जाने के बाद ही शायद ठीक हो जाता है मरीज, या तो लीडर्स का वसीला लग जाना या तो कोई जाने माने व्यक्ति का यहाँ पर लिंक हो तो शायद आराम हो जाते हैं। तो ऐसा तलकेरी से जो आए हुए एक महिला, कितने सालों के बाद शादी होने के बाद तो उनको अपना औलाद ही नसीब नहीं था, 10 साल के बाद तो एक औलाद नसीब हो गया, वो भी सरकारी हॉस्पिटल में खो गए। तो बच्चे की बदनसीब कहे, दुनिया देखने से पहले ही यहाँ पर मर गया। तो यहाँ पर इनका यही आरोप है, डॉक्टरों ने सीधा देखभाल नहीं किया तो इसीलिए एक बच्चे की मौत हो गई। तो यहाँ पर बच्चे को, मरे हुए बच्चे को गोद में लेकर ही सरकारी हॉस्पिटल के आगे आंदोलन करने लग गए। तो इस सरकारी हॉस्पिटल पर ना जाने कहीं आरोप होते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ यहाँ पर लापरवाही होते ही रहती है, मगर ये लापरवाही वहीं का वहीं रफा दफा हो जाता है, मगर मीडिया में छाया जाता है। मगर क्यों इन डॉक्टरों पर केस दर्ज नहीं होता, क्यों इन पर एक्शन नहीं किया जाता, क्यों इन पर कानूनी कार्रवाई नहीं हो पाती, आखिर कैसे हो पाती? मेडिकल रिपोर्ट तो इन लोगों ने ही देते हैं, आखिर जनता को क्या मालूम है किस गोली का नाम क्या है, और मेडिकल ही डॉक्टर ही जानेगा। ऐसे होने से तो यहाँ पर तो बच्चा बहुत सालों के बाद इनको नसीब हो गया था, अब ये बेचारे बदनसीब हो गए। तो इनका कहना ये है ताकि इसी सरकारी हॉस्पिटल में कुछ दिन पहले ही डिस्चार्ज मांग रहे थे, यहाँ पर डिस्चार्ज नहीं दिया गया, तो इसीलिए शायद इस बच्चे की मौत हो गई। तो इनका यही गुस्सा जता रहा है ताकि उन्होंने सीधा सीधा आंदोलन पर इस मरे हुए बच्चे को गोद में लेकर आंदोलन करने की इनकी बदकिस्मती आज इस बच्चे की मौत ले गई। तो अब अमीर तो नहीं दिखा पाता सरकारी हॉस्पिटल में, सिर्फ गरीब आ जाते हैं। तो अगर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाएंगे तो लाखों का पैकेज हाथ में लेकर ही हॉस्पिटल के आगे खड़े रहना पड़ता है। तो ऐसे ही गरीब क्या करे, तो इनका तो दरवाजा खटखटाना सिर्फ सरकारी हॉस्पिटल का ही हो जाता है। तो ऐसे में तो ना जाने कहीं बार ऐसे मुद्दे हो गए हैं। तो हम इसी लेकर अगले एपिसोड में फिर से पूरा डिटेल्स प्राइवेट हॉस्पिटलों का और सरकारी हॉस्पिटलों का आपके सामने, यही मुद्दा आपके सामने फुल डिटेल्स में लाएंगे अगले एपिसोड में। देखेंगे एक रिपोर्ट। Thank you.
ಮದುವೆ ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷ ನಂತರ ಈಗ ನಿಮ್ದು ಏನ ಸರ್ ಏನ್ ಹೆಸರು ಏನ್ರಿ ಪೂರ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ರಿ ಎಂಟು ದಿನ ಐತ್ರಿ ನಾವ್ರ ಬಂದ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಗುಳ್ಳಿ ಆಗ್ಯಾವ್ರ ನೀರ್ ಗುಳ್ಳಿರಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಯದ ಸೀಸನ್ ಮಾಡಕಂತಾರ ನಮ್ ಕೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಿನ್ನೆ ಮಾಡ್ಯಾರಿ ಅವ್ ಮಹೇಶ್ ಕೇಶ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೀಸನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗು ಏನು ಹತ್ತಿಲ್ರಿ ನಿನ್ನೆ ನೋಡ್ರಿ ನಿನ್ನೆ ನೋಡ್ಯಾರಿ ರಾತ್ರಿ ಬ್ಯಾನಿ ಎದ್ದವ್ರಿ ಇವತ್ತಿನದು ಹಾಕಿ ಒತ್ತಿ 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 ಕೇಸಂದ್ರೆ ತಳಗಿಬ್ರದಾರಿ ನೋಡಿಲ್ರಿ ಮರ್ಯಾದ ಇಲ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಪೊಲೀಸ್ ಲಗ್ನ ಆಗ್ಯಾರ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹ್ಯಾಂಗ ಕೇಳ್ತಾರ.